वहां बालकोनी में बैठ करके मैं अनुलोम विलोम की फ्रेश हवा आता है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा घर पैक पैक सा लगता है। लेकिन ना सूर्य नमस्कार वगैरह तो बालकोनी में कर नहीं सकते। और कमेंट भी आया था कि मुझे ना सूरज की रोशनी में छत में योगा करना चाहिए, फ्रेश एयर में। देखिए हमारे बिल्डिंग में जो छत है वो पैक है, तो सूरज की रोशनी में धूप तो वहाँ आएगा नहीं, वो पूरा ऊपर से सिल्ट डला हुआ है। दूसरी बात कि वहाँ पे मैं ऐसे भी योगा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली रहती है, मतलब समझ लीजिए तो लगभग 15-16 लोग रहते हैं ऊपर में छत में। आप सोचेंगे बिल्डिंग में छत में कैसे, लेकिन नहीं, हमारे बिल्डिंग की छत में भी फ्लैट बनी हुई है, सबसे टॉप जो छत कहते हैं ना वहाँ फ्लैट बनी हुई, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ उन लोगों के सामने कंफर्टेबल नहीं होंगे। और आज मैं ये पहनी हुई हूँ, हस्बैंड का पैंट पहनी हूँ, मेरे पास और कुछ था नहीं पहनने के, ऐसा नहीं कि था नहीं, पर मैं ना कल एक्चुअली गाउन पहनी थी। और मैं शाम में भी योगा कर रही हूँ, सुबह भी योगा कर रही हूँ, शाम में भी योगा कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल नहीं है ना तो मेरे पास टाइम मिल जा रहा है अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। तो शाम में गाउन पहनी हुई थी नहा धो करके, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पहनना चाहिए, ट्राउजर वगैरह, तो फिर मुझे सामने ही हस्बैंड का दिखा तो मैं तुरंत यही पहन ली। लाडो तुम क्यों ऐसे बैठी हो? ये मेरे साथ योगा बहुत करती है, मेरे साथ योगा करना है। हाँ। चलो एक काम करो, ऐसे रखो, पेट के अंदर करो, यहाँ हस्बैंड बना रहे चने की सब्जी। तो हमारा समझ लीजिए वीकेंड में एक दिन चना और या तो मटर का घुगनी जरूर बनता है मुरमुरा के साथ खाने के लिए। सैटरडे संडे का बताया था ना, हस्बैंड ही नाश्ता बनाते हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा योगा कर सकूं और अपनी नींद भी अच्छे से पूरी कर सकूं। अभी मेरा योगा फिनिश नहीं हुआ है बेटा, अभी मुझे और योगा करना है। चलो योगा मिट दो, ये खिलौना बना करके रख दिया है, मुझे अभी और योगा करना है। आज तो तीनों जुट गए, मजा हमसे परेशान हो रहे, कॉमेडी बना दिया योगा को, नहीं इंस्पिरेशन हो रहा है क्या? शांति से योगा करने नहीं दे रहा है, ऐसे वैसे लोग कर रहे हैं तो इंस्पायर हो रहे हैं। देखो बच्चे भी कर रहे हैं साथ में, इंस्पायर हो रहे लोग, खेल है तो नहीं खेल अरे शांति से योगा करने दो। लाडो हंसते नहीं योगा के टाइम पे, गुलाई जूस नहीं बनाया जी, तुम पीस रहे ना, तुम योगा कर रही थी ना। हाँ तो योगा के बाद गुलाई जूस पी के नहाने जाएंगे ना। हाँ ठीक है, अभी कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हाँ सुबह का सारा काम कर दिया, थैंक यू। तो सैटरडे संडे मेरी ड्यूटी है तो इसीलिए नींद भी पूरा हो जाता है, थोड़ा सा सो गए थे, योगा भी हो जाता है, नहीं तो क्या सुबह उठना पड़ेगा। थैंक यू। ये हल्दी लास्ट है ना, और हल्दी नहीं बची है ना? नहीं कल सोचा था मैं लाऊंगा पर लेट हो गया ना तो भूल गए, आज जाके लेके आएंगे। बनाइए तो हम काम कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, ठीक है? जा तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। जल्दी आइए, तो ये इसको क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए इसको यहाँ पे, ये तो भूल गया। हाँ। कि मैं ब्रश ही कर रही थी और इसको चोट लग गया सर पे, जाकर के सीधे ये दीवार में टकरा गई। वो ब्रश भी करने देता ना, चैन से योगा करने दिया ना, चैन से ब्रश करने दिया। अभी अभी तो खेल रही थी, जाके सीधे दीवार में टकराई यार, कहती आगे तो वो रोकना चाहिए था मुझे दीवार में टकराने से। मारने का एक्टिंग है, सचमुच में भाग रही थी। जब मेरे को लगे तो वो हंसते, और जब मैं ऐसे बोलूं तो बोले कि रोमन सच में हुआ है, बताइए बाबा। मैं साइलेंट होने बोल रहा हूँ, वो चिड़चिड़ा रही है ना, बैठ तू इधर। मैंने क्या बोला, मैं बोला साइलेंट हो जा, मैंने बोला साइलेंट हो जा, क्या बोला मैंने, सच में ऐसा लगा, मैं ये भी बोला मुझे ना सीएमसी लोग ना ब्रश भी नहीं करने दे रहा है। अरे नहीं बोला, नहीं बोला कुछ। अरे ये है मेरा गिलोय जूस, देखिए इतना गाढ़ा तो मैं नहीं पी पाऊंगी, पी ही नहीं पाऊंगी, उल्टी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ना थोड़ा पतला कर देंगे,
अच्छे से हिला दी और फिर मैं यहाँ पे छान रही हूँ। मैं सायर नहीं, दीवाना नहीं। वाह मजा आ गया आज। वो तो देखने से लग रहा है अकेले अकेले बारिश एंजॉय करके आए हैं। पूरा गीला तो मजा तो आप अकेले लिए। मुझे भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है। चलिए ना हम भी घूमेंगे। बारिश में भीगेंगे तो चलिए ना नहीं चलिए ना, बुखार आ जाएगा तुमको। बुखार तो सुबह से ही है। नहीं तो इसलिए तो नहीं करना है। नहीं चलिए ना प्लीज। फिर थोड़ा सा हम तुम लोगों का सेवा करते बैठे हैं फिर सारा दिन। जाइए कपड़ा चेंज करिए। कपड़ा चेंज नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा नहा करके चेंज कर लीजिएगा। ठीक है पानी डाल लेंगे। हमको पता था तुमको सरप्राइज चाहिए। दो चिप्स, दो लॉलीपॉप और कोल्ड ड्रिंक मुझे देने का मन नहीं था ना, लेकिन मुझे ये जाने भी नहीं देती, इसीलिए मुझे मजबूरी में इसको लालच देना पड़ा कि मैं तुम्हारी सरप्राइज दूंगी। दूध तुम लाई? हाँ हम लाए थे। हमको पता आप लाए थे। हम तो? पूछे थे दुकान वाले से कि मेरे हस्बैंड दूध लेके गए थे क्या शाम में, तो वो बोले कि हाँ लेके गए थे। तो मैं बोली कि ठीक है एक पैकेट हमको दे दीजिए, कल बच्चे लोग दूध पी लेंगे। और मैं सोची कि इतनी बारिश हो रही है तो आप मैं एक चाय पिला दूँ। पिला दे? मैं नहीं पीऊंगी पर चाय पिला के आपसे बात करना है। क्योंकि मैं पिछले कितने टाइम हो गए, 8 बज रहा है ना, मैं पिछले 4 घंटे से फ्रेंड के साथ ही, हस्बैंड को अकेले छोड़ के, बच्चों को अकेले छोड़ के वो इतनी बारिश हो रही कंटिन्यू, 1 सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुका है। सो सुबह से चालू हुआ है बारिश, कंटिन्यू है, नॉन स्टॉप बारिश है। बंद कर देते हैं, विसर्जन हो रहा है ना गणेश जी। हाँ आज 5वां दिन है, 5वां दिन का विसर्जन है। पांचवा दिन अभी सर्जन का और पूरी बारिश हो रही है, फिर भी लोग बारिश में निकल रहे हैं डांस नाचते हुए। प्लीज मैं रख दो, बाद में पापा को चाय बना के पिला दे थोड़ी देर के बाद। नाते के साथ कंबल में घुस रही है, ठंडा लग रहा है जी। बारिश में ना पूरा पैर भीग गया है। पूरा पैर भीग गया? हाँ। अब तो ठंडा लग रहा होगा तेरे को। हाँ। तो एक काम करना, हाथ पैर सेक देते हैं आज। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सेकेंगे ना तो तबीयत बिगड़ जाएगा। देखा? इसमें सिम नहीं है, आप सिम ले दीजिएगा। हाँ। तो मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास मेरे नंबर हैं, लेकिन वो मोबाइल चोरी हो गया तो मैं दोबारा उस नंबर को अप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि वो नंबर मेरे भाई का था, उसके नाम पे सिम था। तो अब जिस भी सब्सक्राइबर के पास मेरा नंबर है उनके पास नहीं है, चूंकि मेरा फोन चोरी हो गया है इसीलिए मेरे पास भी उनका नंबर नहीं है। लाडो जाके खिड़की बंद करो बेटा किचन का, आज काफी देर मिल गई। आई थिंक 4 बजे, 3 घंटे, 4 घंटे लग गए। 4 घंटे मन हम लोग भरता ही नहीं बात करके। तुम लड़कियों का बातें खत्म नहीं होती है। नहीं रात को भी 11 बजे से बात स्टार्ट हुआ, रात को लगभग 1-2 बज गया बात करते करते, 1 बज गया था रात का। इसमें स्टेबिलिटी नहीं, कैमरा बहुत शेक करता है। हाँ। जैसे ये कैमरा अभी शेक नहीं कर रहा, पर ये कैमरा से हम वीडियोस देख रहे निकाल के चेक किए ना, तो इससे वीडियो शेक हो रहा था। हाँ तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी चलो बात करने के लिए तो हो गया यार, बात कर नहीं पाते हैं जो फोन करना रहता है कुछ काम के लिए। वो हमसे बात करने के लिए फोन देता कि वो मुझे जब चाहे तब कॉल कर सके। हाँ तुम लोग का सारा दिन बात नहीं होता है ना, हम जब आएंगे रात को तब फोन बात करेगी। ये फ्रंट कैमरा मत यूज कीजिए, फ्रंट कैमरा बहुत गंदा है। लाडो अभी सो गई है, पर उसके सर पे जो सुबह चोट लगा था वहाँ पे हल्दी और चूने का मिश्रण लगाया जा रहा है। जैसे ये हल्दी और चूना लगा दिए हैं, फिर कल सुबह देखते हैं कितना इसका रहता है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया में लगाया ना इतना बड़ा एरिया इसका फूल गया है। रात हो गया है तो ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।